झंझारपुर लॉकडाउन के बाद अनुमंडल के 4 प्रखंड में 3,331 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि 2,631 लोग होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके हैं, 610 लोगों की काउंसलिंग चल रही है। प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रखने के लिए अनुमंडल के 67 स्कूलों को चुना है, जिनमें मात्र 5 सेंटर ही एक्टिव हो सके। इन 5 सेंटर में 37 लोग ठहरे हुए हैं, जिनमें 30 लोग जमाती अथवा नेपाल से आए जमात के मौलवी ठहरे हैं। वहीं आपको बता दें कि बाकी 7 लोग अन्य राज्यों से आने वाले लोग हैं। किसी भी क्वारंटाइन किए गए लोगों की जांच नहीं की गई है। झंझारपुर प्रखंड से 12 अप्रैल को 7 लोगों का सैंपल भेजा गया। लखनऊ से भेजे गए ड्राइवर की जाँच हुई अथवा नहीं, बताने वाले कोई नहीं है। अनुमंडल अस्पताल कैंपस के नर्स ट्रेनिंग सेंटर में 60 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 56 स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS न्यूज़।